हेलो ग्लोबल व्यूअर्स लिसनर्स, मैं बिग बॉस का सुपरस्टार और ओम जी हिंदू सेना का वैश्विक अध्यक्ष स्वामी ओम जी। आज मेरा खून खौला हुआ है, गुस्से के मारे मेरे पूरे शरीर में आग लगा हुआ है, क्योंकि हमारे हिंदू बेटी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ में जो जघन्य अपराध किया गया है, जो इन दरिंदों ने किया है, मुसलमान मोहम्मद पासा और उसका दूसरा साथी मोहम्मद हामिद, और उसके साथ में जो सरकार जो ये बता रही है कि बाकी जो लड़के हैं वो हिंदू हैं, असल में हिंदू वाला नाम है, वो हिंदू है नहीं, वो सारे के सारे ईसाई है, कन्वर्टेड ईसाई है। ईसाई धर्म को में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसका नाम नहीं बदला जाता। इन लोगों ने, इन दरिंदों ने प्री प्लान वे में, आप ये देखिए कि ये दो लड़की को देखते थे कि हर रात को इसी टाइम पर निकलती है लड़की ने, जो ही और वो टोल पे स्कूटर खड़ी करती है, ये भी इन दरिंदों को पता था। तो इन दरिंदों ने, लड़की ने जो ही टोल पे खड़ा किया तो उसका जो स्कूटर था, स्कूटी था, उसमें से हवा निकाल दी, और उसको देख करके नशे में ये लोग धुत थे, पहले से तैयार थे, उसको देख करके डॉक्टर प्रियंका रेड्डी ने अपने बहन को फोन किया। कुछ नेता लोग ये बकवास कर रहे हैं कि बहन को फोन क्यों किया, पुलिस को क्यों नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जब उसको ये पता ही नहीं था कि उसका गैंगरेप और उसका मर्डर होने वाला है, तो ये उसको तो थोड़ा सा अंधेरा था और उसको लगा कि यहाँ पर ये सारे नशे में ये दरिंदे, मुसलमान दरिंदे, ईसाई दरिंदे वहां पर मौजूद हैं, तो उसको थोड़ा सा डर सा लगा। तो जब डर लगता है तो अपने घर के किसी सदस्य को फोन किया जाता है, न कि पुलिस को। जब क्राइम होता है तब पुलिस को फोन किया जाता है। तो उस लड़की ने उसी तरह से उसकी जो क्लोजेस्ट सिस्टर थी उसको फोन किया कि किसी को भेज दो, लेकिन जब तक वहां से घर वाले आते तब तक इन दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार कर लिया, सरेआम सड़क पे ही, उसी टोल पे। और उसके बाद वहां से 28 किलोमीटर दूर ट्रक में डाल करके ले गए और पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला दिया। ये जो जिंदा जलाना है, ये जो बर्बरता है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारे के सारे हमारे, हम हिंदू लोग सोए हुए हैं, पड़े हैं। हे हिंदू वीरों, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, अब तो जागो। आज प्रियंका रेड्डी के साथ में ये हुआ है, कल तुम्हारे बहनों बेटियों के साथ में यही होगा। यदि तुम नहीं जागे तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। तुमको मालूम है अच्छी तरह से कि जब मुगल शासन था, जब ईसाइयों का शासन था, 1000 साल मुगलों का शासन रहा, 200 साल ईसाइयों का शासन रहा, उस वक्त भी ये लोग हमारे बहू बेटियों के साथ में बलात्कार करते थे सरेआम, और उनके पुरुषों को, हिंदुओं को ये कत्लेआम कर देते थे। रिसेंट उदाहरण है अभी कश्मीर की, कश्मीरी पंडितों की तो हत्या कर दी गई, और कश्मीरी जो लड़कियां थी, बहू बेटियां थी, उनके साथ में सरेआम बलात्कार किया गया और उनको बीबिया बना करके रखा गया। ये आपके सामने का उदाहरण है 1990 से लेकर के 2018 तक यही सब हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी भी जागो। देखो शरीयत में लिखा है, शरीयत में लिखा है कि जो बलात्कारी होता है उसको पब्लिक के हवाले करो और पब्लिक पत्थर मार मार करके उसको जान से खत्म कर दे। तो आप यदि कोई मुसलमान भी है तो तुम्हारे तो शरीयत में लिखा है मारो सारे को पकड़ करके। अभी आप ये देखिए कि वहां पर पुलिस वालों ने थाने में उसको जब बैठाया, और हमारे ओम जी हिंदू सेना के और ओम जी दुर्गा वाहिनी के सदस्यों को पता लगा तो हजारों की तादाद में, हमने अभी पुलिस स्टेशन घेर लिया था, लेकिन उन लोगों ने चुपके से वहां से निकाल करके उसको 14 दिन की कस्टडी का ऑर्डर लेकर के जज से, वो भी कोर्ट में पेश नहीं किया, चुपके से ऑर्डर लिखवा करके ले आए और उसको जेल में भेज दिया। जेल में इस तरह से आतंकियों को आप, उसकी सुरक्षा के लिए आप भेजते हैं, ये सरासर अन्याय है, सरासर गलत है। इसी तरह से मोहम्मद अफरोज ने हमारी धर्मपुत्री ज्योति सिंह उर्फ निर्भया के साथ में, इन्होंने 16 दिसंबर 2012 को भी ऐसे ही किया था। उसके इसी मोहम्मद अफरोज ने, मुसलमान ने, उसके गुप्तांग में जहरीला सरिया घुसेर करके, घुमा करके उसका सारा आंतरी बाहर निकाल लिया था, जिससे उस बच्ची की मृत्यु हुई, तड़प तड़प करके मरी। 16 दिसंबर को उसके साथ में ये किया गया और 29 दिसंबर